जिले के बिहियागढ़ प्रखंड प्रमुख के खिलाफ विक्षुब्ध पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शनिवार को तब मजाक बनकर रह गया जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए आयोजित बैठक में कोई भी पंचायत समिति सदस्य उपस्थित ही नहीं हुए, जिसके कारण घंटों इंतजार के बाद बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी को अपना खाता बहिष्कृत कर जाना पड़ा। बीडीओ सह पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सदस्यों की बैठक में नहीं आने के कारण अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। ऐसी स्थिति में प्रमुख की कुर्सी अगले एक वर्ष के लिए सुरक्षित हो गया। बताते चले कि प्रखंड पंचायत समिति के सदस्य सदन में कुल 19 सदस्य हैं, जिसमें 9 सदस्यों ने अपना हस्ताक्षर से प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दिया था। आवेदन के आलोक में प्रमुख द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए शनिवार की तिथि निर्धारित की गई थी। निर्धारित तिथि के समय अनुसार बीडीओ सह कार्यपालक पदाधिकारी पूरी तैयारी के साथ किसान भवन में बैठकर पंचायत समिति सदस्यों का इंतजार कर रहे थे, पर 11 बजे से 3 बजे तक इंतजार करने के बावजूद कोई सदस्य बैठक में नहीं आया। नतीजा हुआ कि बीडीओ अपना खाता बही समेत चले गए। क्या कहना है, बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मेरा साथ गहन साथ दिया है। मैं भी चाहती हूँ उनका, जब तक मैं रहूँ मैं सभी का साथ दूँ, उनको ऐसा ना लगे कि मतलब मैंने उन्हें अपना ये विरोधी पक्ष माना है। मैं कभी नहीं उन्हें ऐसा प्रतीत होने दूंगी। वो कभी भी आए, जो भी उनका काम है मेरे से ले सकते हैं। फिर अविश्वास की बात कहाँ से है या फिर विपक्ष की बात है, अविश्वास लगाया गया? वो उनकी सोच थी। क्या विपक्ष के लोग आए हुए थे? नहीं, कोई नहीं है। नहीं। परिचय बता दीजिए। परिचय, मैं रिंकू सिंह, प्रखंड प्रमुख।